और चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं और अब ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। बिल्कुल, देहरादून में भी आज भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। मदन कौशिक और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज संगठन के नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे से संगठन पदाधिकारियों के साथ आज ताबड़तोड़ बैठकें होनी है। तो टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे बैठकों की शुरुआत हो जाएगी। टिकट बंटवारे से पहले महामंथन हो रहा है। चुनावी मैदान में किसे उतारा जाए, इसी पर लगातार महामंथन चल रहा है। आज भी कई बैठकें देखने को मिलेगी। तो देहरादून में आज भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है और टिकट के बंटवारे से पहले महामंथन आज भी जारी रहेगी। भाजपा संगठन की बैठक, और आपको बताएं कि तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। मदन कौशिक और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे का समय बैठक के लिए बताया जा रहा है। तो आज कई बड़ी बैठकें होनी है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, यहां भाजपा बैठक आज भी ले रही है। और इससे पहले कल भी देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिला था। यहां पर टिकटों को लेकर महामंथन किया गया और इस मीटिंग में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। बिल्कुल, और मीटिंग में प्रदेश भर से आए पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बातचीत भी की गई थी। सभी से उनका फीडबैक लिया गया, उनके सुझाव लिए गए। दूर में भाजपा का ये मंथन चल रहा है और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां विधानसभा चुनाव और टिकटों को लेकर मंथन हुआ था। तो अब लगभग रोजाना की ये बात है जब सभी दिग्गजों को एक साथ बैठना होगा और चुनाव में टिकट वितरण को लेकर और साथ ही एजेंडे को लेकर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रखना होगा। देहरादून में भाजपा की एक अहम बैठक हुई जिसमें सभी उत्तराखंड बीजेपी के नेता तो थे ही शामिल, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव और टिकटों के बंटवारे को लेकर ये बैठक हुई। बिल्कुल, और पार्टी के तमाम बड़े नेता अनु इसमें मौजूद रहे और आज भी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इसके बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देहरादून में भाजपा की अहम बैठक, लगातार टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। चुनावी मैदान में किसे उतारा जाए और कौन जिताऊ साबित हो सके पार्टी के लिए, इस वक्त ये फोकस रखा गया है और इसी वजह से टिकटों को लेकर अभी सिर्फ मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। अभी कोई नतीजा सामने नहीं है, हालांकि माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम बड़े नेता भाजपा के एक साथ बैठ रहे हैं, महामंथन कर रहे हैं। हाँ, और जया, इतने साल तक, 5 साल तक सभी पार्टी और उनके कार्यकर्ता काम करते रहते हैं जमीन पर, और ऐसे में उन्हें उम्मीद रहती है कि जब टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें वे अपनी भी दावेदारी रखें, अपनी भी बातें रखें कि आखिर उन्होंने इस 5 साल में पार्टी के लिए क्या किया है, उनका जनाधार कैसा है और आखिर उन्हें क्यों टिकट मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सके। तो ये जो दौर है ये वही है जब सभी जो दावेदार होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एक तरह से उस इलाके के, वो सभी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार देहरादून से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि महामंथन का दौर देखने को मिल रहा है और आज भी भाजपा की कई बैठकें होने जा रही है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जया, देखिए, टिकटों के आवंटन को लेकर कल भी भाजपा का महामंथन था और पूरे प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अलग अलग जनपदों से पार्टी प्रदेश कार्यालय में जुटे हुए थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे उत्तराखंड से चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो और पूर्व जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो इस बैठक में मौजूद रहे। पूरे जनपद के तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कल पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। बारी बारी से अलग अलग से उनसे बातचीत की गई है और राय शुमारी की गई है कि आखिरकार आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है या कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो सबसे ठीक कार्य कर रहा है, धरातल पर जनता के बीच में आखिरकार किस तरीके का काम कर रहा है। राय शुमारी तमाम पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्षों के साथ में
किया गया था और आज भी एक बड़ी बैठक लगातार भाजपा प्रदेश कार्यालय में होनी है, उसमें भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे। प्रहलाद जोशी जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9:30 बजे के करीब पार्टी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। और ये जया मंथन इसलिए है कि टिकटों के आवंटन से ठीक पहले एक रायशुमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कर रहे हैं, आखिरकार किस तरीके की हलचल पूरे प्रदेश भर में है, उससे ठीक पहले जो ये रिपोर्ट है रायशुमारी है, उसके बाद में ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये अपनी रिपोर्ट रखी जाएगी, आखिरकार किस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में टिकटों को लेकर है। उससे ठीक पहले भाजपा के संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी अपनी रायशुमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं और आखिरकार 14 या 15 तारीख में संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में होनी है, उससे ठीक पहले पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता रायशुमारी पार्टी के लोगों के साथ कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र में किस तरीके के विकल्प हम अब संसदीय बोर्ड की बैठक में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि 40 से 45-50 के बीच में जो लिस्ट निकलेगी वो ऐसी लिस्ट होगी जया कि जहाँ पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो दूसरी लिस्ट निकलेगी उसमें कुछ ऐसा अंदर खाने का विरोध दो या फिर अंतर कलह सामने खुलकर आ सकती है, क्योंकि ऐसी कुछ सीटें भी हैं जया कि जहां पर करीब एक एक विधानसभा सीट पर 10 से ज्यादा उम्मीदवार को टिकट की तलाश है, आस है, उसको लेकर वो टकटकी लगाए बैठे हैं आखिरकार उनका नाम लिस्ट में आता है नहीं आता है। ये जिन लोगों को उम्मीद है क्या उनकी वो उम्मीद पूरी होती है और पार्टी किसे बेहतर समझती है अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो भाजपा में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस भी चुनावों को लेकर एक्शन मोड में है। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, 1:00 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, महामंथन टिकटों को लेकर किया जाएगा। बिल्कुल, और कांग्रेस की आज की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी, वहीं बैठक में फाइनल मोहर लगने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी आज भी बैठक में मौजूद होंगे। तो कोई भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन जिसमें कांटे की टक्कर है, जैसा कि तमाम सर्वेस भी बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में इस बार कांटे की टक्कर रहेगी, कड़ा मुकाबला रहेगा और इन दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार मंथन का दौर टिकटों को लेकर चल रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी अब तक अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। जी जय, ऐसे में इंतजार किया जाता है, ये देखा जाता है कि आखिर कौन कैंडिडेट कैसा उतार रहा है और फिर उसके उसी लेवल का कोई अपना कैंडिडेट उतारा जाता है। कोई ये नहीं चाहता कि उनका कोई हल्का कैंडिडेट हो या फिर इस तरह का कैंडिडेट हो जिससे कि वोट अर्जित करने में या फिर जीत हासिल करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो इसी होड़ में रहते हैं पार्टियां कि पहले कौन अपनी लिस्ट को जारी करता है। बिल्कुल, तो इसी तरह से लगातार चर्चाएं चलती रहेंगी और जहां जो हम ये भी देख रहे हैं कि सभी पार्टियां यहां पर बात कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को लेकर और अपने एजेंडे को लेकर, जिसमें उत्तराखंड से लेकर और यूपी तक सभी राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं ये शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस के किशोर उपाध्याय अब भाजपा का दामन थामने की तैयारी में हैं और वो कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी सेफ गेम खेल दिया है, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया है, आगे भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही गई है। किशोर उपाध्याय पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है, किशोर उपाध्याय ने पहले ही भाजपा जाने के संकेत दिए थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार बारिश। लेंस डाउन में भाजपा विधायक दिलीप रावत कांग्रेस कर सकते हैं ज्वाइन, हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र वधु के लेंस डाउन से दावेदारों को लेकर है नाराज। भाजपा से सामूहिक इस्तीफा देने वाले पार्षदों की नाराजगी हुई दूर, सांसद पर रमेश पोखरियाल निशंक ने बातचीत कर निपटाया विवाद, 14 पार्षदों ने नाराज होकर दिया था इस्तीफा।
आपने पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर जताया भरोसा, भाजपा कांग्रेस पर कसा तंज, कहा आपने जारी की सबसे पहले सीएम और उम्मीदवारों की सूची। पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया प्रचार, जनता से भी आपको जिताने की है अपील। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हरिद्वार में आप कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, सिसोदिया ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम बड़ी उपलब्धि हुई है और नैक की तरफ से किए गए मूल्यांकन में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सबसे अधिक अंक पाकर ए प्लस श्रेणी में शामिल हो गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय को ए प्लस श्रेणी में रखा है। उत्तराखंड के 30 संस्थानों ने नैक के मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, मगर इसमें उत्तरांचल विश्वविद्यालय को चुना गया और उसे ए प्लस श्रेणी में शामिल किया गया। आपको बता दें कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ाई करते हैं और ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि है। चार पांच साल की मेहनत है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय, हम लोगों ने लगातार प्रयास थे हमारे कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो आज उत्तराखंड के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी को, उत्तरांचल विश्वविद्यालय को ए प्लस मिला है, तो ये हमारे गर्व की बात है, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं या स्टाफ है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। तो गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में बूथ स्तर पर इसे मजबूती देने के लिए निर्देश दिए। रैलियों पर प्रतिबंध है और कहा गया है कि संपर्क में सिर्फ 5 लोग से अधिक जाएंगे। डे बाय डे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो भी कोविड की गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा, उसके अनुरूप चुनाव लड़ा जाएगा। हो सकता है डिजिटल माध्यम से चुनाव लड़ा जाए, तो हम लगातार जनता के बीच में रहे, जनता के दर्द को कम करने का प्रयास किया है और आने वाले समय जनता उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करती है। तो ये कांग्रेस वाले खुद भी कहते हैं, जनता देख रही है कि 10 साल कांग्रेस के विधायक रहा पर उन्होंने क्या किया और 10 साल में गणेश जोशी ने क्या किया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टिहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि पिछले 21 सालों में कांग्रेस और भाजपा ने जो नहीं किया वो 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया है। अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ईमानदार राजनीति के रूप में विकल्प है, अरविंद केजरीवाल जी की काम करने वाली राजनीति के रूप में विकल्प है। उनके पास सबूत है, उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अपने गांव गांव तक ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो केवल 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 21 साल में नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश वाला पीरियड छोड़ दीजिए, पिछले 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी जो नहीं कर पाई वो केवल और केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया, अभी तक जनता के सामने। वहीं उत्तरकाशी में कांग्रेस ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन ने कांग्रेस के होर्डिंग्स तो हटा दिए जबकि भाजपा नेताओं के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। आचार संहिता का कांग्रेस पार्टी अक्सर सा पालन करती है, लेकिन वर्तमान में पिछले 2-3 दिन से यह देखने में आ रहा है कि चुनाव आचार संहिता के आड़ में जिला प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान सरकार जिनकी है, उनके निर्देश पर केवल जो है लिखे हुए स्लोगन कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के झंडे, कांग्रेस पार्टी के बैनर को हटाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर उनके बैनर, उनके स्लोगन जो है यथावत रखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तरकाशी का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। और इस बीच एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। प्रयागराज से ये अहम खबर मिल रही है जहां माघ मेले में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। पुलिस और पीएसी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
माघ मेले में अब तक 51 कोरोना के केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना केस मिलने से मेले के आयोजन पर अब सवाल खड़े हो गए। 14 जनवरी को शुरू होगा ये माघ मेला। प्रयागराज में कोरोना के 24 घंटे में 379 नए मामले सामने आए हैं और जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है। पुलिस और पीएससी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। माघ मेले में अब तक 51 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। इसके आयोजन पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना केस मिलने के बाद मेले के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। 14 जनवरी को शुरू होगा माघ मेला, लेकिन उससे पहले अब इसके आयोजन पर सवाल किए जा रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना के 24 घंटे में 379 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 1500 के पार है जी। और जय, जिस तरह से पब्लिक गैदरिंग को इस वक्त रोका जा रहा है, लेकिन इस बीच ये माघ मेला होना और उससे पहले ही ये ट्रेलर भी दिख चुका है कि अगर ऐसे आयोजन होते हैं तो उसका हश्र क्या हो सकता है। तो ऐसे में ये देखना जरूरी है कि क्या इतनी संख्या में एक साथ केसेस आने पर कोई जो मैनेजमेंट कमेटी है इसकी, वो क्या फैसला लेती है। बिल्कुल। और अनु, अब ऐसा भी हो सकता है इस खबर के बाद ये भी देखने को मिल सकता है कि इसके आयोजन में कुछ बदलाव किया जाए, हो सकता है कि और लगाई जाए, हो सकता है कि कल्पवासियों के लिए और जो संत हैं उन्हें छोड़कर आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ बंदिशें हो, कुछ पाबंदी हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में पीएससी जवानों का, जो ड्यूटी में लगे हुए जवान, उनके कोरोना पॉजिटिव होने से अब यहाँ पर पाबंदी की जरूरत समझ आती है। और जय, इससे पहले भी ये हमने देखा था कि जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो वहां भी कोरोना के काफी केसेस बढ़े थे, जो साधु संत हैं वे भी काफी संख्या में इससे संक्रमित हुए थे। तो ऐसे में ये जो पब्लिक गैदरिंग है इसे तो रोका जाना चाहिए और कड़ी पाबंदियां इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसकी मांग लगातार की जा रही है, लेकिन माघ मेले में अब 51 कोरोना के केसेस मिल चुके हैं। पुलिस और पीएससी के जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 14 जनवरी को माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है, माघ मेला की शुरुआत, और उसके शुरू होने से पहले ही जब 51 केसेस सामने आ चुके हैं तो अब किस तरीके की इस पर पाबंदी की जाती है या क्या नियम इसके लिए बदले जाते हैं, ये भी देखना होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले अखिलेश यादव भाजपा को लगातार झटके दे रहे हैं। पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर डालकर खलबली मचा दी और उसके बाद कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव से पहले अभी और ऐसी तस्वीरें आएंगी। अखिलेश का मानना है कि छोटे दलों को साथ जोड़ने वाली उनकी रणनीति इस बार कामयाब होगी। के अग्निपथ पर अखिलेश यादव विजय का राजपथ तैयार कर रहे हैं। उनकी इस बड़ी तैयारी को लेकर एबीपी गंगा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। 22 के इस बाहुबली इंटरव्यू के लिए एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावर अखिलेश यादव के साथ लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। यूपी में सियासी उठापटक के बीच अखिलेश ने अपनी रणनीति साफ की। उन्होंने साफ कहा कि बड़े दलों के साथ गठबंधन का उनका अनुभव ठीक नहीं रहा, जिसके बाद छोटे दलों को बड़ी ताकत के रूप में जोड़ा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं, जो लगातार अपने समाज की बात कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं, तो उन दलों को साथ ला करके एक बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जहाँ हम बड़े दलों के साथ वो परिवर्तन नहीं ला सके, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके इन दलों के साथ परिवर्तन लाने का काम होगा। अखिलेश इस वक्त भाजपा में बड़ी तोड़फोड़ करने में जुटे हैं। यूपी के दो कैबिनेट मंत्री अब तक अखिलेश के साथ खड़े हो चुके हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मंत्रियों के हाथ बंधे हुए थे। उनके हाथ बांधे हुए थे, वो अपने समाज की मदद नहीं कर सकते थे जी। जो न्याय दिलाने की बात थी, न्याय नहीं दिला पा रहे थे जी। और उनके अधिकार अगर छिन रहे, किसी के अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ सकते थे। बहुत जल्दी आप देखेंगे, आप दारा चौहान की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी देखेंगे कैबिनेट मंत्री जो रहे दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ। एबीपी गंगा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बात की और उन्हें बड़ा नेता बताया। जब मैं सरकार में था उस समय नेता विरोधी दल थे, एक बड़े नेता थे जी, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने
बड़े नेता को छोटा नेता बना दिया। वो बड़े नेता हैं, अपने समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें वो काम करने का मौका नहीं मिला जो समाज के लिए वो काम कर सकते थे। उसी की वजह से आज वो समाजवादी सिद्धांतों के लिए और अम्बेडकर जी ने जो सिद्धांत दिए थे उनके साथ खड़े होकर के लोकतंत्र और देश का संविधान उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव की रणनीति सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, उन्होंने पश्चिम में भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ हाथ मिलाया है और बार बार गन्ने के भुगतान का मुद्दा उठाकर किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा, पश्चिमी यूपी का किसान इस बार अपने मान सम्मान के लिए वोट करेगा। जो गठबंधन हुए हैं वेस्टर्न यूपी से लेकर के ईस्टर्न यूपी तक, जिस इलाके से जयंत चौधरी जी आते हैं वो किसानों का इलाका है, वो गन्ने के कीमत चाहते हैं किसान। इस सरकार ने कहने को तो कई बार कहा कि हम भुगतान करते हैं, लेकिन आज भी किसानों का गन्ने का बकाया है जी, गन्ना बकाया है। और इस बार जो वेस्टर्न यूपी का किसान है वो अपने मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। इस इंटरव्यू में अखिलेश ने आजम खान पर भी बात की और सरकार पर सियासी दुश्मनी के चलते आजम खान को फंसाने का आरोप लगा दिया। आजम खान साहब के को आपने भुला दिया, ओवैसी साहब तक ये बात कह रहे हैं, बताइए। आजम खान साहब को फंसाया गया है, जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकली दुश्मनी निभाते हैं उसी तरीके से न केवल आजम खान साहब को और बहुत सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ झूठे मुकदमे लगे हैं जी, और उन्हें जानबूझ करके फंसाया है। कि आप भी भूल गए आजम खान साहब को, ये तो समाजवादी समाजवादी पार्टी नहीं भूली है और समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं, आजम खान साहब और उनका परिवार पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश ने पूरब से पश्चिम तक अपनी रणनीति सेट कर ली है। इंतजार 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच के दिनों का है और तभी पता चलेगा कि अखिलेश बार बार जिस इनकलाब का नारा दे रहे हैं उसका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।